और गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड का मामला पहुंच गया है मानवाधिकार आयोग। आरटीआई एक्टिविस्ट ने दर्ज करवा दिया इस पूरे मामले के तहत केस। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान दे दिया और कहा कि पुलिस की चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश के दौरान गिर गए थे मनीष गुप्ता और इस हादसे की वजह से उनकी मौत हुई है। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। आयोग ने रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। दानिश खान ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा, इसमें कहा कि पुलिस इस मामले की लीपापोती की कोशिश कर रही है। मनीष गुप्ता के परिवार का आरोप है कि गोरखपुर के होटल में पुलिस वालों ने पीट पीट कर उनकी हत्या की, लेकिन यूपी पुलिस के एडीजी ने इसे हादसा बताया है। उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। यूपी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करवाने को तैयार है। मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मनीष गुप्ता की पत्नी ने कहा कि वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। उन्होंने सारी मांगें पूरी कर दी हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कैप्टन ने साफ किया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। अमरिंदर सिंह के फैसले के बाद पंजाब सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। इसी के साथ साथ पंजाब सरकार पर संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद अमरिंदर ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस ने बहुमत खो दिया है। इसके साथ साथ अमरिंदर ने संकेत दिए कि उनके समर्थक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे, नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। अमरिंदर ने जिस साफगोई के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, उतनी साफगोई से कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और वो सिद्धू को किसी हालत में जीतने नहीं देंगे। अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। इससे पहले गुरुवार को चंडीगढ़ लौटने से पहले अमरिंदर एनएसए अजीत डोवल से मिले और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 3 सूत्री फॉर्मूला तैयार किया। सूत्रों की माने तो सिद्धू की मांग के मुताबिक पंजाब के डीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदला जा सकता है। अमरिंदर और कई नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व नवजोत सिद्धू के आगे सरेंडर दिख रहा है। गुरुवार को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू की 2 घंटे बैठक चली। सूत्रों की माने तो बैठक में जो फॉर्मूला बना उसके मुताबिक पंजाब के डीजीपी और एजी को बदला जाएगा। नए नामों के लिए यूपीएससी से सिफारिश होगी। एडवोकेट जनरल कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। विवाद सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी में सिद्धू, सीएम चन्नी और हरीश चौधरी होंगे। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर सिद्धू का बिना नाम लिए नसीहत देते हुए कहा कि डीजीपी और एजी की नियुक्ति को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की क्षमता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अकाली दल ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ रबड़ स्टैम्प बनाया गया है। उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया फिर कांग्रेस चलने क्यों नहीं देती, उसको रबड़ स्टैम्प बनाया है। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने 4 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक बुलाई है, इसमें सिद्धू को खुश रखने के फैसले हो सकते हैं। और पूर्व कांग्रेस नेता नटवर सिंह ने कांग्रेस में चल रही कलह के पीछे सीधे गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो वहीं कपिल सिब्बल के घर के बाहर हो रहे प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हुए। पंजाब की कलह और अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस में असंतोष और बढ़ गया है। गुरुवार को पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने सीधे गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न एआईसीसी की मीटिंग होती है। ये 3 लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है। नटवर सिंह ने गांधी परिवार पर लोकतंत्र का ढोंग करने का भी आरोप लगाया। वहीं कपिल सिब्बल के घर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रदर्शन पर G23 के नेता खुलकर सामने आए। पी चिदम्बरम ने कहा एक सहयोगी और सांसद के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से आहत और असहाय महसूस कर रहा हूँ। गुलाम नबी आजाद ने कहा सिब्बल वफादार कांग्रेसी हैं जो संसद के अंदर और बाहर पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। आनंद शर्मा ने कहा इस गुंडागर्दी से स्तब्ध हूँ, निराश हूँ, ये असहिष्णुता कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि सिब्बल के विचार असहज हो सकते हैं, पर हिंसा का लाइसेंस किसने दिया।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी G23 के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। और आज से देश में दो बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है, पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अटल मिशन 2.0 को लॉन्च करेंगे। एक मिनट में पूरी खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ करेंगे। सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाए रखने और पानी को बचाए रखने के लिए ये मिशन तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का उद्देश्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है और इस मिशन को सफल बनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए सरकार 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, तो वहीं अमृत 2.0 सतह और भूजल निकायों के संरक्षण और सुधारों को बढ़ावा देगा। सरकार शहरों के बीच प्रगतिशील प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए पेयजल सर्वेक्षण आयोजित करेगी और अमृत 2.0 परियोजना पर सरकार लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में पिछले 7 वर्षों में मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। एनआईए से लेकर जस्टिस KU चांदीवाल की कमेटी जिन परमवीर सिंह को कोच रही है, वो कई समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं हो रहे और अब ऐसा शक जताया जा रहा है कि परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के देश छोड़ने का अंदेशा जताया है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, परमवीर गायब है। अभी गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह पर भी मुंबई थाने में भ्रष्टाचार और वसूली के 5 मुकदमे दर्ज हैं। परमवीर पर सारे मामलों की जांच से भागने का आरोप है। परमवीर सिंह 4 मई से छुट्टी पर चले गए थे। एंटीलिया केस में उन्हें समन जारी हुआ था। एनआईए के 4 समन पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अगस्त में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। परमवीर के आरोपों से अनिल देशमुख को गृह मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। मामले की सीबीआई और ईडी जांच चल रही है। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के लिए भारत ने चीन को जिम्मेदार ठहरा दिया। चीन की सेना की तरफ से एलएसी पर स्थिति को बदलने के लिए आक्रामक और एकतरफा कोशिशों के कारण ही सीमा पर शांति प्रभावित हो रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और दोनों देश इस विवाद को हल करने को लेकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर चीन कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जो दोनों देशों के बीच कभी भी तनाव बढ़ा देती है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में तनाव की स्थिति के पीछे एक बार फिर भारत को जिम्मेदार बताया, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उसे विवाद को हल करने की ओर ध्यान देना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि चीन अभी भी बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार तैनात कर रहा है। चीन के इन्हीं कदमों की वजह से हमारे सुरक्षा बलों को इन क्षेत्रों में जवाबी तैनाती करनी पड़ी, ताकि सुनिश्चित हो सके कि भारत के सुरक्षा हितों की पूरी तरह से रक्षा की जा सके। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय समझौते का पालन करते हुए सभी बाकी मुद्दे सुलझाने की ओर काम करेगा। और मुंबई की अंधेरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक ट्रैफिक हवलदार कार की बोनट पर बैठा है। दरअसल ट्रैफिक हवलदार कार का जो हाथ से दिखा के उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार सवार भागने लगा। उसके बाद ट्रैफिक हवलदार कार के बोनट पर ही बैठ गया। मुंबई के अंधेरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार के बोनट पर एक हवलदार बैठा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानिए। अंधेरी के आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे JP रोड पर एक ट्रैफिक पुलिस का हवलदार अपनी टीम के साथ कार्रवाई कर रहा था। तभी एक कार को हाथ दिखा के रोकने के लिए कहा, लेकिन वो रुकने की जगह भागने लगा, जिसके बाद ट्रैफिक हवलदार कार के बोनट पर बैठ गया। ट्रैफिक पुलिस वाले बार बार कार में बैठे शख्स से नीचे उतरने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कार सवार नीचे उतरने के बजाय बोनट पर बैठे हुए ट्रैफिक हवलदार के साथ ही तेज रफ्तार से कार को भगा ले गया और कुछ दूर जाने के बाद हवलदार जैसे ही नीचे गिरा, मौका मिलते ही कार चालक ने गाड़ी पीछे घुमाई और वहां से कार लेकर फरार हो गया। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है।
कोरोना काल में त्योहारों को लेकर आईसीएमआर ने लोगों से अपील की है कि इस बार भीड़ में न जाएं आप और यात्रा भी मत कीजिए। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा समेत कई बड़े आयोजनों पर रोक लगाई, तो वहीं मुंबई में गरबा के आयोजन नहीं होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की भीड़ वाले कार्यक्रम का आयोजन न हो। ऐसे इलाके जो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किए गए हैं या ऐसे जिले जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है, वहां मास गैदरिंग अवॉइड किए जाने चाहिए। कोवैक्सीन के इंटरनेशनल इमरजेंसी इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद जाहिर की है कि इस पर WHO जल्द ही मंजूरी दे देगा। यथासंभव आप अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ जो भी त्योहार मनाना है उसको ऑनलाइन मनाएं, छोटे ग्रुप्स में मनाएं। भारतीय वैज्ञानिक डेंगू की वैक्सीन पर भी काम कर रही हैं और जल्द ही इस पर नतीजे भी सामने आएंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।